नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे दमोह के बाईपास पर लगाए गए चक्का जाम की। ट्रक चालकों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। बताया जाता है कि लगातार अवैध वसूली चल रही है। वाहन चेकिंग के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है, पूरी रात वे परेशान रहते हैं। जिस जिले में जाते हैं वहां के आरटीओ के द्वारा, पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है, कागज पूरे रहते हैं, गाड़ी अंडर लोड रहती है, बावजूद इसके मालवाहकों को रोका जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, जिसके चलते नाराज ट्रक चालकों के द्वारा जाम लगा दिया गया। उनका कहना कि जबरन वसूली चल रही है, लगातार परेशान किया जाता है, किसी बॉर्डर को क्रॉस करो तो वहाँ भी पैसा लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री से वह लगातार सवाल भी पूछते हैं कि आखिर ट्रक चालकों के संबंध में अब तक देश के प्रधानमंत्री ने कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए अब तक किसी सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। इनके द्वारा लंबा जाम लगा दिया गया, कोई भी ट्रक यहां से निकल नहीं पा रहा है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार जमकर प्रदर्शन हो रहा है। यहां से अधिकारी नदारद हो गए हैं। बताया जाता है एक ट्रक चालक को अधिकारी के द्वारा मार पिटाई की गई है, जिसके विरोध स्वरूप यहां पर जाम लगा दिया गया। काफ़ी बड़ा जाम है, सैकड़ों की तादाद में अब यहाँ पर ट्रक इकट्ठा हो गए हैं, ड्राइवर भी इकट्ठा हो गए हैं और जमकर इस चेकिंग के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और इस चेकिंग का विरोध भी कर रहे हैं। दमोह के बाईपास का ये मामला है। मारुताल पर यह जाम लगाया गया है, वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। ट्रक चालकों के द्वारा लंबा जाम लगा दिया गया। खास बात यह भी है कि अब कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँच रहा, ऐसा ना हो कोई अप्रिय घटना हो जाए। ऐसे में अधिकारी जाने से बच रहे हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। क्या कहना है ट्रक चालकों का? ये किस कारण से जाम कर दिया? हम आए, पैसे लेते हैं, अनलोड गाड़ी है, पैसे लेते हैं, एंट्री देते, बोला एंट्री दो, एंट्री नहीं देते तो का चलान होगा। किस चीज़ का चलान होगा बताइए आप? ठीक है, हमारे पास अनलोड गाड़ी है, पेपर कंप्लीट है, कोई चीज़ का नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वर्दी है, सब कुछ हर चीज़ है। ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर घूमते हैं, पर ठीक है, एमपी जैसा रूल कहीं नहीं देखा आपने। हर बॉर्डर में रात को 2-2 बजे राजस्थान से स्टार्ट होता है, ठीक है, पूरा एमपी पार करते हैं, ठीक है, 5 बॉर्डर फटते हैं, 1 बॉर्डर पे 2,000 रुपये लेते हैं। किस चीज के लिए मैं मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ड्राइवर इतने दुखी हैं, रात में गाड़ी लेके चलते हैं, हमारी नींद खाना पीना सब को करके हम पब्लिक की सेवा करते हैं और हमारे साथ आईटीओ बदतमीजी से मारपीट और पैसा मांगते हैं। बोलो मालिक से बोलते हैं तो आपके पैसे देते क्यों नहीं, तो हम रास्ते में 3-3 दिन पड़े रहते हैं, 4-4 दिन पड़े रहते हैं, हमारी कौन सुनते हैं? मोदी जी सबकी सुनते हैं, ड्राइवर की कोई भी सुना आज तक? मोदी से पूछता हूँ मैं, ठीक है, कोई सुना क्या? सरकार से पूछता कोई सुनता क्या ड्राइवर की? आप क्या हाल में है, क्या हाल में नहीं हो? कोई नहीं पूछता। पुलिस वाला अलग करता है, आईटी अलग करता है, पब्लिक थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, पब्लिक और अलग करती है। आप बताइए, अरे सेवा ड्राइवर लोग ही कर रहे हैं, हम हमारे बीवी बच्चों को सबको छोड़ के आते हैं, मिल जाएंगे जनता की सेवा करता ड्राइवर 2 महीनों से। एक दिन हमारे जगह आप लेके चला के दिखा दो और हमारे कंडीशन आप शांत करके बता दो, हम आपको मान लेंगे। हमारे तरफ आप चल के दिखाइए आप हमारे को। और क्या क्या परेशानी है वो भी बताइए। परेशानी है, पुलिस वाला तंग करते हैं, आईटीओ तंग करता है, कोई भी चीज है ठीक नहीं तो तंग करता है, रोड पे बोलिए सब इधर डरो के पास है, सारे सारे आप पूछ लो, आप किसी ने खाना नहीं खाया अभी, बताइए आप। एक दिन का काम नहीं, रोज का काम है। सागर में जाते थे आईटीओ, दमो में जाते थे आईटीओ, कटनी में जाते थे आईटीओ, बताइए आप गाड़ी कब चलेगी? रात की 2-2 नहीं, अशोकनगर में नहीं, माल हर जगह में, गुना में आईटीओ कभी टी बिना में बॉर्डर लगा रखा है, बिना में नहीं, अशोकनगर में और बॉर्डर लगा रखा है, वहाँ महातान का और बॉर्डर लगा रखा है, आप बताइए। गाड़ियों से एंट्री वसूली की जा रही, लेकिन एंट्री किस बात की? ट्रक चालक प्रदेश के रहने वाले हैं, ट्रक मालिक प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन एक ही प्रदेश में ट्रक निकलने पर हर जिले में आखिर किस बात की एंट्री वसूली की जा रही है और ये वसूली किसकी जेब में जा रही है, ये कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल अधिकारी नदारद हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए।